दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन। आज का टॉपिक है रिले कंट्रोल सर्किट। मैं रिले कंट्रोल सर्किट को आपको बताऊंगा कि रिले कंट्रोल सर्किट हम कैसे बनाते हैं। अब इस रिले कंट्रोल सर्किट में एक थ्री फेस एमसीबी, दूसरा सिंगल फेस रिले, और तीसरा कंट्रोल रिले, और एक सिंगल फेस एमसीबी कंट्रोल के लिए, और इन सबको मैं लगाऊंगा ड्यूअल में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसमें मैं लगा के बताऊंगा इन सब से क्या फ़ायदा है। एमसीबी सिंगल फेस प्रिवेंटर के लिए, प्रिवेंटर से हमारे मशीन सेफ रहेगी या मोटर सेफ रहेगी, हम जिसको भी लगाएंगे जहाँ भी लगाएंगे। फिर प्रिवेंटर का बहुत यूज होता है, इसे फेस फेलर रिले भी बोलते हैं, सिंगल फेस प्रिवेंटर भी बोलते हैं और सिंगल फेस रिले भी बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एमसीबी सिंगल फेस प्रिवेंटर और कंट्रोल रिले इन सबको हम कैसे लगाते हैं, और एक बार देखने के बाद आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं, जिससे आपका सर्किट सेफ रहेगा, जिससे आपकी मशीन फूकने या मोटर को फूकने व नोने किसी भी चीज़ में बहुत मदद मिलेगी। कोई चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी, नहीं फूकेगी कोई मोटर, और इससे फेस फेल होने से, जब टू फेस होता है, सिंगल फेस होता है, या कोई हमारा फेस लॉस होता है जिसकी वजह से हमारी मोटर जल जाती है या हमारी मशीन में कोई कमी आती है, तो प्रिवेंटर हम लगाएंगे तो इससे ये सेफ हो जाएगा आगे हम मशीन को ख़राब होना। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरुआत करते हैं हम टॉपिक पर रिले। पहले हम सबसे पहले थ्री फेस एक थ्री पोल एक एमसीबी लगा देते हैं थ्री फेस के लिए। तो ये एक आर फेस, यहाँ आर फेस, और ये हमारा वाई फेस, वाई फेस, और ये बी फेस। ठीक है दोस्तों, अब इन फेसों को हम सीधा ले लेते हैं। यहाँ हम एक प्रिवेंटर लगाते हैं, ये हमारा प्रिवेंटर है, ये आर वाई बी, तीन फेस हो गए। इसमें तीन पॉइंट होते हैं, कॉमन, एनओ, एनसी। कॉमन होता है एक, एनओ नॉर्मल ओपन, और एनसी नॉर्मल क्लोज। ये हमारा इस तरह से होता है, यहाँ जब हमारी सप्लाई नहीं होगी तो एनसी के साथ में, और जब हमारा ये ऑन होगा प्रिवेंटर तो एनओ के साथ कनेक्ट होगा। अब हम लगा देते हैं एक कंट्रोल एमसीबी, ये हम यहाँ कंट्रोल एमसीबी लगाते हैं। ये कंट्रोल हमारा फेस है, और इसी से हम यहाँ कॉमन पर सप्लाई दे देते हैं। ये हमने कॉमन पर सप्लाई दे दी, यहाँ कनेक्ट होगी कॉमन पर। तो कॉमन से क्या करते हैं, हम एक नीचे रिले लगाते हैं, जैसे हमारा ऑन होगा तो हमारे यहाँ आएगा, ये एक हमारा पॉइंट है, और यहाँ ये हमारी एक रिले है A1 और A2, ये कॉइल के दो पॉइंट हो गए, ये रिले है हमारी। इसमें भी तीन पॉइंट होते हैं, कॉमन, एनओ, एनसी। तीन हो, छः हो, हमारी ये सबसे छोटी 5 पिन वाली रिले है, कंट्रोल रिले। ठीक है दोस्तों,
अब हम इसी फेस को यहाँ कॉमन पर दे देते हैं, ये कॉमन के साथ कनेक्ट हो गया हमारे यहाँ, अब कॉमन से कनेक्ट हो गया। अब एनो से हम क्या करते हैं, ये कंट्रोल यहाँ एनो पर हुआ और जैसे ये ऑन होगा रिले ऑन होगी, और रिले के ऑन होते ही हमारा ये सर्किट भी हमारा यहाँ ऐसे है, पहले जब ऑफ होगी तो एनसी के साथ में, और जब हमारा ये रिले ऑन होगी तो एनओ के साथ हो जाएगा, एनओ हमारी एनसी हो जाएगी। अब इससे हम क्या करते हैं, एक यहाँ हमें बनाना क्या था, ड्यूअल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये हमारी सब सेफ्टी है। रिले से हमने ये कंट्रोल करा, प्रिवेंटर हमारा ये फेस को कंट्रोल कर रहा है हमारा, अगर टू फेस होगा तो यहाँ सप्लाई हमारी ब्रेक हो जाएगी, आगे नहीं आएगी। अब इसके आगे हम एक स्टार्टर लगाते हैं, तो ये हम पहले लगा देते हैं हम एक एनसी, ये हमारा एनसी एलिमेंट है जो सर्किट को क्लोज करेगा, उसके नीचे हम लगाते हैं एनो, और यहाँ हम लगाते हैं एक कॉन्टेक्टर जिससे हमारी मशीन चलनी है। ये A2 यहाँ न्यूट्रल दे दिया हमने, ये A2 है हमारा और ये A1 है। जैसे ही हमने इसको प्रेस करा, हमारा सर्किट यहाँ से क्लोज होगा और सर्किट हमारा चालू हो जाएगा इतना। अब ये जितना ये एनो है हमारा नॉर्मल ओपन, जैसे हम इसको पुश बटन को पुश करेंगे कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, उतनी ही देर के लिए सप्लाई जाएगी। यहाँ हमारे लिए तीन फेस RYB और ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर हो गया हमारा RYB। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास चले जाएंगे मोटर के लिए, जैसे हमने यहाँ एक मोटर लगा रखी है, ये हमारी यहाँ मोटर हो गई हमारी, ठीक है। ये हम तीन फेसों को यहाँ से कनेक्ट, इनको दे इनपुट दे सकते हैं, ये आउटपुट हो जाएगी, पर ये जब तक ही ऑन रहेगा जब तक इसको हम दबाएंगे। अब होल्डिंग के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर का एनो यूज कर लेते हैं, तो हम यहाँ से सप्लाई लेंगे और ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का एनो हो गया, इसके साथ में जैसे कनेक्ट हुआ और सप्लाई हमारी होल्डिंग के लिए यहाँ आ गई। ये हमारा होल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एनो है, ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर एनो, ठीक है दोस्तों। ये हमारा रिले कंट्रोल सर्किट अब कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने केवल इतना ही समझना है, प्रिवेंटर में तीन पॉइंट होते हैं, RYB फेस हमारा जहाँ लगा होता है उस पर लिखा होता है हमारा फेस, और ये फेस सिक्वेंस भी और फेस का कंट्रोल, ये सिंगल फेस प्रिवेंटर और फेस सिक्वेंस दोनों एक में भी आते हैं। अगर फेस सिक्वेंस करेंगे तो हमारा ये हेल्दी हो जाएगा, उसमें इंडिकेशन भी होता है, कहीं ऐसा ना हो आप इसको ख़राब समझ बैठे हैं, प्रिवेंटर और सिक्वेंस दोनों एक ही, जैसे हमारा फेस चेंज होता है तो उस कंडीशन में भी हमारा ये काम नहीं करता। इसमें अलग अलग उन्होंने दो को कंबाइन करके भी दे रखा है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ सप्लाई देंगे तो एनओ हमारा एनसी हो जाएगा, नॉर्मल क्लोज होगा सर्किट और यहाँ से रिले ऑन होगी, और रिले होते ही हमारा यहाँ एनओ एनसी हो जाएगा और यहाँ से सर्किट हमारा ये चालू हो जाएगा। जैसे ही कोई फेस लॉस होगा हमारा सर्किट यहाँ क्लोज हो जाएगा और यहाँ हमारा जो मोटर चल रही है ये बंद हो जाएगी। तो ये मोटर की सेफ्टी के लिए, मशीन मोटर या किसी भी चीज़ के लिए सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए हम प्रिवेंटर और रिले कंट्रोल सर्किट का हम यूज करते हैं। जैसे हमें कोई इमरजेंसी लगानी हो रिले के थ्रू लगा देंगे, या किसी भी सर्किट को हमें आगे बनाना है तो रिले के थ्रू हम इसको सर्किट को आगे और बड़ा कर सकते हैं, या सर्किट वाइज सर्किट हम जो भी हम सोचें, जैसे PLC का यूज करते हैं सर्किट वाइज सर्किट चलते हैं, वैसे ही हम रिले का यूज, कंट्रोल रिले का यूज करते हैं। तो रिले कंट्रोल सर्किट, इसको हम रिले कंट्रोल सर्किट बोल सकते हैं, और हम रिले के द्वारा जो कुछ भी करना चाहें हम सब कुछ रिले के द्वारा, सेफ्टी इंटरलॉकिंग वगैरह हम रिले के द्वारा,
या जैसे दो मोटर लगा दी हमने, इंटरलॉकिंग लेनी है, सारी चीज़ हम रिले के द्वारा कर सकते हैं। तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो आपको जल्दी देने वाला हूँ। आपको हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आपसे यही चाहते हैं आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।